लंका में कैसी आग लगाई बजरंगी भाईजान ने, मिर्च मिर्च के कैसे धुआं उठ रहे हैं, देख रहे हो। सरेआम कह रही है कि गुलाम हैदर के वो मैं डैश 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 जो इस पे एक्शन लेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस इस पे एक्शन लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को हमने केस में पार्टी बनाया है, इसके बच्चे लेने का भी हमने इंतजाम कर दिया पूरा पूरा। जब पता लगेगा जमीन खिसक जाएगी कि मोमिन मलिक ने क्या ऑर्डर करवा रखा है बच्चों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मोमिन मलिक साहब की। एक लाइव इंटरव्यू की वीडियो आई है जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियो है और नई अपडेट है। वो क्या है आगे आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने इस लाइव वीडियो में क्या क्या बातें कही। जो लंका में जो आग लगाई है ना, वो आग का धुआं आप देख रहे होंगे, उस आग का असर भी आप देख रहे होंगे। अब इसका बिल्कुल आखिरी समय अंत में ये चल रहा है जी। अब अगला स्टेप इसको जेल कराने का है, इसलिए जाएगी सीधी जेल, चिंता करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि दुनिया के सामने मोमिन मलिक ने सबसे बड़ा काम क्या किया है कि दुनिया के सामने जो एक जो है जिसके विचार भी अच्छे नहीं, जिसकी भाषा भी अच्छी नहीं, जिसकी सोच भी अच्छी नहीं, जिसके अंदर वफादारी नाम की चीज नहीं, जिसके अंदर धोखा भरा हुआ है, छुरा घोंपने की आदत भरी हुई है और हर इंसान को यूज एंड थ्रो की नीति है, धोखा देती आई है अपने पति को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने धर्म को और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को, खुद अपने आप को। जी जी। और जो भारत में आके जो अपने आप को सबसे बड़ा कह रही थी मैंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया और मैं तो सनातनी में आ गई हूँ और बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन अब आप देख लो इसकी हकीकत आपके सामने आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कोई भी सनातनी महिला कभी भी किसी के प्रति गाली नहीं दे सकती जी, किसी के प्रति गंदे विचार नहीं रख सकती और किसी के प्रति अपशब्द नहीं कह सकती और अपने पति को तो बिल्कुल नहीं बोल सकती। तो ये देखिए इसकी हकीकत। ये मैं आई हूँ अपनी मन की खुशी से आई हूँ, इस हैदर की गांड को आग लगी है। क्या कोई महिला इतना गंदा अपने पति के लिए बोल सकती है? ये हकीकत है इसकी। इसकी हकीकत ये है, जिस आदमी ने पत्थर तोड़े जी, जिस आदमी ने विदेश में मजदूरी करी, 2-2 शिफ्ट करी, 3-3 शिफ्ट करी जी, प्याज के साथ रोटियां खाई, उस इंसान ने एक वक्त खाया एक वक्त नहीं खाया, मेरे बच्चों को चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं जोड़ सकूं और मैं अपने बच्चों के लिए भेज सकूं, वो इंसान धूप में, तपती धूप में पत्थर तोड़ता था। उस इंसान से इसने भाग के शादी करी, लव मैरिज करी अपनी मर्जी से, उसके 4-4 बच्चे पैदा करे जी, और आज उसको सरेआम सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने ऐसी ऐसी बात कह रही है जो हम कह भी नहीं सकते। ये सुनो, आपने सुना, मतलब ये क्या हमारे भारत की संस्कृति है? ये बताओ आप सभी लोग। मैं भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं जी, भारत के बाहर के भी जो लोग हैं, जो किसी भी देश से, किसी भी मुल्क से, किसी भी देश कंट्री से हमें देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, किसी धर्म से ही वो इंसान है, बताएं कि क्या एक महिला जो भारत की 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या है, उस 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या के सामने नेट पर, मीडिया पर आकर के सरेआम कह रही है कि गुलाम हैदर के वो मैं डैश 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 की आग लग रही है? एक महिला को शोभा देता है अपने पति को, जिसका उसने खाया, जिसका पहना, जिसके 4 बच्चे पैदा किए जी। जब बच्चे पैदा हुए होंगे, तो जब पहला बच्चा पैदा हुआ होगा तो हर 2 महीने में टीके भी लगते होंगे, डॉक्टरों के अल्ट्रासाउंड भी होता होगा, डॉक्टरों का, लेडी डॉक्टर को वो चेकिंग भी होती होगी, उसकी फीस भी जाती होगी, उसको अच्छी डिलीवरी हो जाए, कोई कमी ना रहे, बच्चा कहीं हैंडीकैप तो नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अल्ट्रासाउंड भी होते होंगे, डॉक्टरों की फीस भी जाती होगी, डिलीवरी के वक्त डॉक्टरों ने फीस भी ली होगी, और 4-4 बच्चों के साथ उस बंदे ने इसकी केयर करी है। तो उसको कितनी बुरी ये सोशल मीडिया पे आके पूरी दुनिया के अंदर ये किस तरह जो ना ये गालियाँ दे रही है अपने पति को। अब मुझे एक बात बताओ कि ये भारत की सभ्यता को खराब कर रही है नहीं कर रही है? आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल खराब कर रही है। अरे तेरा पति है, ठीक है, तेरे साथ मुकदमे लड़ गए, तू कोर्ट में जाके अपनी बात रख, या अगर कोई बात करनी है तो उसका जवाब दे। सही बात है। इतनी गंदी गाली अपने पति को दे रही है, इससे गंदा क्या होगा? आप बताओ आप। और अब इसको ये पता कि सोमवार मंगलवार को इस पे कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर की हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, हम यूट्यूब पे, हमारी बात हो गई है, यूट्यूब को हम वो देंगे और यूट्यूब इस पे एक्शन लेगा, SHO इस पे एक्शन लेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस इस पे एक्शन लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को हमने केस में पार्टी बनाया है जी। और इसका सोशल मीडिया पे आना, फिल्म बनाना, गलत बोलना, वो सब कोर्ट ने रोक लगा दी है, ऑर्डर ऐसा पास किया है। तो इसको पता है 2 दिन है तेरे पास। अब जो बेचैनी इसको लगी है, जो आग इसको लगी है, इसकी लंका में जो आग लगी है हनुमान जी ने लगाई है, हनुमान जी के भक्त ने लगाई है, हनुमान जी के भक्त ने जो लगाई है, जो मैं उनका भक्त हूँ हनुमान जी का, इसकी लंका में जो आग लगाई है, अब उस आग का असर इसको देखने को मिल रहा है। ये गंद बक के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही, हमारे सामने इसकी कोई औकात नहीं, हमारे सामने इसका कोई महत्व नहीं है कि हम इसका जवाब भी दें। ये हमारे लेवल की नहीं, ये लोग हमारे लेवल के नहीं, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं। लेकिन मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ, क्या एक सभ्य औरत को ये शोभा देता है कि वो अपने पति को सरेआम ऐसे वर्डों का प्रयोग करे जो मैंने आपको सुनाया अभी? आपको नहीं बना ली, कोई ऐसा कॉमेंट नहीं करना, आपको हमने स्टे मिल गया, हमें आपके खिलाफ कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब कार्रवाई कर देगा, पुलिस कार्रवाई कर देगी जी, हम तो भुगत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी कार्रवाई की है, अब भी की है। और अभी तो क्या, अभी तो मैंने आपको शुरू में बोला था जब मैंने ये केस लिया था कि जैसे जैसे मैं कार्रवाई बढ़ाऊंगा, कानूनी कार्रवाइयाँ, वैसे वैसे सीमा अपने किरदार से नीचे गिरती जाएगी, वो ऐसी हरकतें करेगी, ऐसी नीच हरकतें करेगी, खुद भी करेगी, उसको करवाएंगे भी सिगरेट पर लिख के देने वाले, और वो अपने मकाम से, अपनी जमीर से, अपनी इंसानियत से वो नीचे गिरेगी। बिल्कुल, मैंने आपको पहले शुरू में, मेरा वीडियो देखना, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा वैसे वैसे ये जो है नीचे गिरती चली जाएगी और गलत इल्जाम लगाएगी जी, और उल्टा पुल्टा बोलेगी, बोलने दो, अभी तो और बोलेगी, अभी तो आप देखना, अभी तो ये पहले ही, अभी तो हमारी जो 3 महीने की कोशिश थी, अभी तो पहली कोशिश ये रंग लाई है जी, हमने चारों तरफ से इसको बांध रखा है। अब जल्दी इसकी जो है ना बेल कैंसिल भी कराएंगे, इसको जेल भी कराएंगे, इसके बच्चे लेने का भी हमने इंतजाम कर दिया पूरा जी। जब पता लगेगा जमीन खिसक जाएगी कि मोमिन मलिक ने क्या ऑर्डर करवा रखा है बच्चों के बारे में जी, जमीन फट जाएगी, समा जाएगी उसके अंदर ऐसी जिंदा, और जमीन नहीं फटेगी, नाला फटेगा, गंदगी का नाला उस गंदगी के नाले में समा जाएगी। जब पता लगेगा मोमिन मलिक ने क्या ऑर्डर कराया बच्चों के लिए, जब बच्चे तेरे से लिए जाएंगे जी, दहाड़े मार मार के रोएगी। मैंने समझाया था ना कि पर्सनल अटैक मत करना, केस लड़ना, केस की तरह लड़, अगर तू दीवारों में टक्कर मार मार के, दहाड़े मार के ना रोई तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं। ऐसा इंतजाम कर दिया मैंने तेरा। मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं, भारतीय प्यार से, कोई मेरे से खून मांगेगा तो पूरी बॉडी का खून दे दूंगा जी, लेकिन कोई अपनी नीच हरकतों से मेरे को दबाने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, नीचता दिखाने की कोशिश करेगा, तो भारतीय हूं मैं, भारतीय इंडियन हूं, भारत की भूमि पर जन्म लिया है जी। अच्छे अच्छे को सीधा किया है, अच्छे अच्छे को। और तू क्या कर रहा था बे? आम बेचता था? अरे तेरे जैसे मेरे आम के बागों में काम करते हैं, आके देख लिए जो मेरे आम के बाग हैं उनमें काम करते हैं तेरे जैसे लोग, जो जमीनों में सफेदे लगे हुए हैं, पॉपुलर लगे हुए हैं, वहां पानी देते हैं तेरे जैसे लोग, और आने जाने वाले को टोकरी टोकरी तो फ्री में खिलाते हैं आम। कहां कह रहा है आम बेच रहा था? कहां है तू? तू क्या जाने बेटा। और कहती है गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे हम क्यों गरीबी का तेरा मजाक उड़ा रहे थे? गरीबों को तो मोमिन मलिक गले से लगाता है, गले से, बिल्कुल। गरीबों की लड़ाई लड़ता है मोमिन मलिक, गरीबों को गले से लगाता है, उनके सुख में उनके दुख में हमेशा खड़ा रहता है, उनकी आवाज बन के खड़ा रहता है कोर्ट के अंदर, उनकी हारी में, बीमारी में, कष्टों में, बुरे वक्त में उनकी बाजू बन के खड़ा होता है मोमिन मलिक। गरीबों को अपने सर माथे पर रखता है मोमिन मलिक। लेकिन तुमने गरीब, तुम गरीब बन के नहीं जिए, तुम बहुत जल्दी हवा में उड़ने लगे। दुनिया ने तुम्हें स्कैन पे पैसा क्या भेज दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो अपनी औकात में रहना चाहिए था ना, उतने ही चादर में पांव रखने चाहिए थे जितना तुम्हारी चादर थी, बिल्कुल। अगर चादर से बाहर पांव निकालोगे तो कष्ट तो होगा, सर्दी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, चादर से बाहर निकालोगे तो। पड़ी लकड़ी लेओगे तो उसका असर तो होगा, उड़ता तीर लेओगे उसका असर तो होगा। और छेड़ ले, और छेड़ ले मेरे को। और क्या कहते हो, क्या कहते हो तुम लोग, क्या बोलते हो कि पाकिस्तान के लोग इनके घर में आते हैं? मेरे में दम है, मेरे में दम है, कानून जानता, भारत की परमिशन के मुताबिक आते हैं, आएंगे भी और जाएंगे भी, घूम आएंगे, बुलाऊंगा भी और उनके केस भी करूंगा जो जायज केस है, और उनको घर में भी रखूंगा और मेहमान नवाजी भी करूंगा और उनको भेजूंगा भी, बिल्कुल। रिश्तेदारी भी है हमारी, वहां की हमारी है और हमारी उनके साथ है। तुम बताओ क्या करोगे? उखाड़ लो जो उखाड़ना है। पाकिस्तान में खाली मुसलमानों की रिश्तेदारी नहीं है, हिंदू समाज की भी रिश्तेदारी है वहां, बहुत सी आरटीआई लगा। जी हाँ दोस्तों, आपने मोमिन मलिक साहब की इस वीडियो को देखा, आप लोगों को इस वीडियो के हवाले से क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।